हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं और मेरी क्यूट से फैमिली भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आप लोग जैसे ये थंबनेल देखकर आए हैं, तो जी हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली वाले, करनाल वाले जो भी हैं, खाटू श्याम जी। तो चलो आप लोग भी इंजॉय करो। अगर आप लोग मेरे चैनल में अगर नए आए हो तो जल्दी से जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। तो हम लोग निकल चुके थे, आधे से ज़्यादा रास्ता हमने कवर कर लिया था, बस कुछ देर और जा रही थी, आधा रास्ता रह गया था मतलब। और मेरी बेटी जहाँ जाती है या तो ज़्यादातर सो जाती है, ट्रैवल में तो हमेशा मेरी बेटी सो ही जाती है, और कहीं जाना होता तो उठ जाती है जल्दी। तो पूरे रास्ते सोती हुई गए, मेरी तो कमर में इतना दर्द हो गया। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा सी सेक्शन से बेटी हुई है, तो इस वजह से मेरी कमर में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था बैठे बैठे, और बहुत मतलब टाइम लगा था। और बस आप लोग भी इंजॉय करो। और सच में बहुत ज़्यादा ये व्यू इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था अभी जो आगे व्यू आएगा आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि वो हमारी दिल्ली में है। और बहुत ज़्यादा वो इतना खूबसूरत व्यू लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। आप लोगों को जैसे ये वीडियो में दिख रहा होगा, और बहुत अच्छा लग रहा था और डर भी लग रहा था, क्योंकि पूरा सुनसान एरिया था ये, बस दो चार गाड़ियाँ ही थी इधर, नहीं तो बहुत, वैसे बहुत अच्छा लग रहा था, डर नहीं लेकिन अजीब सा एक होता है ना, अजीब सा, क्योंकि हम अकेले पूरे रोड पर हम अकेले जा रहे हैं, बहुत दूर दूर तक एक आधा इंसान था। तो वही मैं वीडियो बनाने लग गई कि चलो मन भी पास हो जाएगा, टाइम पास हो जाएगा, चलो वीडियो ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं मस्ती कर रहे थे, क्योंकि हमारी बेटी तो सो रही थी, आधे रास्ते जगी भी, फिर वो वापस सो गई उस। और यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, हम धूप में, इतनी धूप में गए थे खाटू श्याम जी, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आप लोग मेरे मुँह को देख के समझ ही सकते हो कि कितनी धूप थी, और थोड़ी देर में छाँव हो जाती है, थोड़ी देर में ही धूप हो रही थी, इतना प्रॉब्लम हो रहा था धूप में। तो मेरी बेटी सो गई थी, और फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली वाले खाटू श्याम जी। और जय श्री श्याम आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखना। और यहाँ पर हम लोगों ने गाड़ी पार्क करी, और पार्क करके चार्ज, मतलब गाड़ी जहाँ पार्क करी थी उन्होंने चार्ज लिया था 30 रुपये, ओनली 30 रुपये लिए थे उन्होंने। और फिर हम लोग आ गए थे, इतनी धूप हो रही थी कि ना ये ज़मीनें जो थी ना इतनी गर्म हो रही थी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर ये चरण थे। तो हम लोग फिर यहाँ पे दर्शन करके फिर हम लोग आगे निकल गए, और बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और जो गाड़ी पार्क कर रहे थे हम लोग की, जो भी वहाँ पे लड़के वगैरह जो भी होते हैं, वो लोग कह रहे थे कि अंदर भीड़ नहीं है, और इतनी भीड़ थी कि मतलब एक लाइन में ही, मतलब एक ही इंसान जा सकता है, लेकिन उस एक लाइन के अंदर ना तीन तीन चार चार लाइनें बना रखी, और इतना भीड़, बहुत ज़्यादा मेरी बेटी परेशान हो गई। वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिसके वो बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो गए, बड़ों का तो कोई नहीं, बड़े तो दर्शन कर लेंगे, लेकिन वो बच्चे इतना परेशान हो रहे थे, इतनी गर्मी, ना पंखा ना मतलब कुछ भी नहीं, इतनी गर्मी। लेकिन हाँ, वहाँ की मतलब दर्शन अच्छे हुए, हर चीज़ अच्छा हुआ वहाँ पर, हर चीज़ अच्छी है, लेकिन बस एक सुविधा अच्छी नहीं है वहाँ पर, कि मतलब दर्शन करने के लिए लापरवाही कर रहे हैं लोग बिल्कुल ही। और तो अब यहाँ पर हम लोग फिर प्रसाद लेने लग गए थे। और आप लोग अगर मेरी बात बुरी लगे ना तो मुझे कमेंट में आप लोग लिख देना, लेकिन मैंने ये सच बोला है। और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, सिंगल लाइन में सिंगल ही इंसान जा सकता है ना, उसमें दो दो तीन तीन लोग जा रहे थे, वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। वाकि मंदिर बहुत अच्छा बना रखा है, और बस बहुत ज़्यादा इंजॉय करा, और बस आप लोग भी इंजॉय करो हम लोगों के साथ। हम लोग तो फर्स्ट टाइम गए थे दिल्ली वाले खाटू श्याम जी, बहुत अच्छा लगा, ये नहीं है कि नहीं अच्छा नहीं लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पर। और यहाँ पे मेरी बेटी भी फाइनली उठ चुकी है, भीड़ के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, और यहाँ पर भी अभी मुझे सुन रही है कि मेरी मम्मा किससे बात कर रही है। और आप लोग देखो, इंजॉय करो। अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट करोगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, नहीं तो नहीं बढ़ पाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, कि आप लोग मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ाओ,
और जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जाके कर लो, और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को कर देना लाइक, और जौन सा पार्ट अच्छा लगा हो या मेरी जौन सी बात आपको गंदी लगी हो या अच्छी लगी हो या कुछ भी, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसको दर्शन हुआ ना तो वो तो मुझे ज़रूर 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 कमेंट में जय श्री श्याम लिखना। और यहाँ पर लोग निशान चढ़ाते हैं बहुत सारे ना, यहाँ पे गोले ही गोले थे, नारियल ही नारियल थे सारे। और फिर यहाँ पर ना एक सातिया बनाने वाला भी होता है, वो मुझे नहीं पता कि वो लोग क्यों बना रहे थे, और ना ही मुझे पता था क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखा है। और तो मैंने भी बनाया था, तो ना यहाँ पे जो गार्ड अंकल बैठे थे ना उन्होंने मुझे डांट दिया था कि वीडियो बनाओ मत, तो इसलिए मैंने वीडियो कट कर दी थी। और मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड भी दर्शन कर रहे थे, तो बस उनकी क्लिप ले पाई थी मैं। तो चलो, आप लोगों को अगर बाबा जी दिख गए हो तो जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, आपसे मैं फिर बोल रही हूँ। और ये सारे जो भी VIP लोग होते हैं ना, जो यहाँ पर भी VIP लोग वाला सिस्टम है, और VIP लोग थे तो वो लोग यहाँ पर दर्शन भी कर रहे थे, और यहाँ पे उन लोगों के लिए जगह थी। और ये मुझे नहीं पता कि उन लोगों के लिए जगह थी, लेकिन मेरे को यहाँ पर जो लाइन में लोग हम लोग के साथ जो लोग गए थे, मैंने एक भी इंसान को नहीं जाते हुए देखा था, क्योंकि अंदर VIP लोगों के लिए ही होगी है शायद, मुझे कंफर्म नहीं पता। और फाइनली हम लोग बाबा के पास पहुंच गए हैं, इतना प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे कि पूछो मत, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर आप लोगों को भी अच्छे लगे हो तो वीडियो में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। और ये गणेश जी इतने प्यारे लग रहे थे, बस हम लोग ना भीड़ से ज़्यादा परेशान हो गए थे। वैसे यहाँ पे हर चीज़ इतनी परफेक्ट और अच्छी बना रखी है, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बस दिक्कत थी तो वो बस लाइन में थी कि लोग मतलब बिल्कुल ही लापरवाही हो रहे थे, अपनी लाइन से अपनी जगह से हट हट के दो दो तीन तीन लाइन बना रहे थे एक एक लाइन के अंदर, जहाँ एक इंसान जा सके वहाँ पर। और जय श्री श्याम कमेंट में लिखना भूलना मत, आपसे मैं फिर से कह रही हूँ, और कर लो मेरे बाबा जी के दर्शन। और यहाँ पर मैं भी हूँ, और यहाँ पर रोक टोक भी नहीं है कि वीडियो नहीं बनाना और कुछ भी नहीं, नहीं तो मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं मुझे डांटे ना ये वो, क्योंकि आप लोगों को तो जैसे पता होगा जो जो गए होंगे कि खाटू श्याम जी, जो मेन खाटू श्याम जी है वहाँ वीडियो नहीं बनाने देते, वीडियो क्या फ़ोटो भी नहीं अलाउ करते हैं। मैंने जब भी दर्शन करने जाती हूँ तो मैं तो वीडियो वगैरह कुछ बनाती नहीं हूँ, बनाती हूँ तो वो बाबा जी के जो दरबार होता है उस तक बना लेती हूँ सारी वीडियो, लेकिन उनके फेस तक मैंने अभी तक कभी वीडियो ही नहीं बनाई। जो मेरी पुरानी फैमिली है यूट्यूब फैमिली, उन लोगों को पता होगा कि मैं वीडियो नहीं बनाती, बस पीछे तक मतलब दरबार तक की बनाई है मैंने, अभी तक उनके फेस तक की वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि वहाँ फ़ोटो भी क्या फ़ोन भी अलाउ नहीं है, नहीं तो फ़ोन छीन लेता, क्योंकि एक बार मेरे हस्बैंड जी का भी फ़ोन छीन लिया था वहाँ पे पहले। अब तो मतलब वो वाली सुविधा दूर से दर्शन करते हैं, लेकिन पहले जब थे ना थोड़ा आगे से दर्शन होते थे, जब शीशा वगैरह नहीं लगा था तब मेरे हस्बैंड जी का फ़ोन छीन लिया था। और यहाँ पर मैंने भी घर बनाया था तो वो क्लिप मैं नहीं बना पाई, क्योंकि आप लोगों को जैसे पता ही है कि मैं ही व्लॉगिंग करती हूँ, और मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा शर्म आती है। और यहाँ पर खाने पीने की सुविधा भी है, हर चीज़ की सुविधा है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। बस यहीं तक थी मेरी व्लॉगिंग, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, अगर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Thank you for watching. Bye bye.